मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ से पंडित ईश्वर शर्मा जी हैं, वे प्रवरण हैं। इनका श्राद्ध से संबंधित प्रश्न है। ये पूछ रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष के समय यजमान के घर भोजन करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। अर्थात इनका प्रश्न है कि जो श्राद्ध खाने के लिए ब्राह्मण लोग जाते हैं, वो ब्राह्मण जिन्होंने श्राद्ध का अन्न खाया हुआ है, वे किन किन नियमों का पालन करें, श्राद्ध से पहले और बाद श्राद्ध वाले दिन किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये जो प्रश्न है। तो श्राद्ध खाने तो बहुत से लोग जाते हैं, हम सब लोग जाते हैं, तो श्राद्ध में किन नियमों का पालन करें। देखिए, श्राद्ध भोक्ताओं के नियम, श्राद्ध भोक्ता क्या करें, ये वैयाग्रपद स्मृति में 156वें श्लोक में लिखा हुआ है। व्याग्रपाद स्मृति, पुनर्भोजन अध्वानम भाराध्ययन मैथुनम दानम प्रतिग्रहो होम श्राद्ध भोग अष्टवर्जयेत। श्राद्ध भोग अष्टवर्जयेत, श्राद्ध भोक्ता इन आठ चीजों का त्याग करे। क्या है? पुनर्भोजनम, दोबारा भोजन करना। श्राद्ध में आप भोजन करके आए तो श्राद्ध से पहले तो कुछ खाना ही नहीं है, श्राद्ध खाने के बाद भी फिर सायंकाल को भोजन न करें, क्योंकि अभी आया था ना, इससे पीछे जो है वीडियो में बतलाया है कि पुनर्भोजी वायसः, पुनर्भोजन करने वाला कौआ बनता है, इसलिए दोबारा भोजन श्राद्धान्न खाने के बाद नहीं करना है। अध्वानम, तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, कोई भी यात्रा नहीं करनी है, उस दिन यात्रा वर्जित है। भाराध्ययन मैथुनम, कोई भजन लेकर के नहीं जाना है, यानी कोई भी आयाम व्यायाम युक्त कार्य नहीं करना है। अध्ययनम, वेदाध्ययन भी उस दिन वर्जित है। मैथुन, स्त्री प्रसंग भी उस दिन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध भोक्ता को जो श्राद्ध खा करके आए हैं उनके नियम चलना है। दानम, दान माने होता है दान देना, तो जो उस दिन कोई विशेष दान भी नहीं देना चाहिए, दान देता तो उसका फल नहीं मिलता है, इसलिए श्राद्ध भोजन करने के बाद आप दान देने के भी अधिकारी उस दिन के लिए नहीं है। प्रतिग्रह होम, प्रतिग्रह, प्रतिग्रह माने है दान लेना, तो उस दिन दान भी न लेवे। श्राद्धान आप खा करके आए हैं, फिर कोई कितना भी पैसा दक्षिणा दे, उस दिन नहीं लेना चाहिए। आप श्राद्ध भोग करने के बाद दान के अधिकारी और प्रतिग्रह के भी अधिकारी नहीं है। होम, सायंकाल को यदि कोई होम करता है तो फिर वो नहीं करेगा, वो किसी अपने प्रतिनिधि से हवन कराएगा, स्वयं हवन का भी अधिकारी नहीं रहता है, क्योंकि श्राद्ध भोग गष्ट वर्जयेत। व्याग्रपाद ऋषि कहते हैं कि इन श्राद्ध खाने वालों को इन नियमों का पालन करना चाहिए, इनका परिवर्जन करना चाहिए। अब कुछ नियम ऐसे बतला रहे हैं जो नियम श्राद्ध कर्ता और श्राद्ध भोक्ता दोनों के मध्य में है या दोनों के ही हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण घर में आता है तो उसके चरण अवश्य धोलना चाहिए, चरण प्रक्षालन पूर्वक ही अपने यहां भोजन कराए। ब्राह्मणों के चरणों से धुआ हुआ जल उसको ऐसी जगह न गिराए कि जो वो जल नाली से बहकर के और नाली में चला जाए, वो पवित्र कार्य नहीं होता है। उस जल को अपने घर में छिड़कना चाहिए, और कच्चे भवन होते थे तो फिर वो वहीं आंगन में वो सब गिर जाना चाहिए, वो पवित्रता का हेतु होता है। तो अब ब्राह्मण को कैसे धुलाए, खड़े खड़े ब्राह्मण के चरण न धोए, नियम है ब्राह्मण आदि को कुर्सी पर बिठा करके और पति पत्नी दोनों ही चरण प्रक्षालन करें। तो उस समय पत्नी को जो दाहिनी ओर खड़ी होना चाहिए। वैसे तो विप्रपाद प्रक्षालने तथा विप्रपाद प्रक्षालने में नियम है बाई ओर रहती पत्नी, पर श्राद्ध के विप्रपाद प्रक्षालन में दाई ओर पत्नी रह करके जल गिराए और वो
पैरों को धो करके ही उसमें बिठाएं, ये नियम है। और एक आगे नियम बता रहे हैं कि श्राद्धान्न गर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बना के सुबह रख दिया है और फिर श्राद्ध का समय आया तब आप दे रहे हैं तो ठंडा हो गया। और कुछ चीज ऐसी है जो ठंडी ही होती है, उसकी बात अलग है। मुख्य रूप से जो आपने बनाया है वो जब तक गर्म होगा तब तक उस ब्राह्मण के मुख से आपके पितर खाएंगे। तो कैसा कैसा नियम पालन करने पर ब्राह्मण के मुख से आपके पितर भोजन करते हैं वो इस श्लोक में बतला रहे हैं। बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यावदुष्णम भवेत्यन्नम यावदुष्णन्ति वाग्यताः पितरस्तावदुष्णाति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः। देखिए, यावदुष्णम भवत्यन्नम, जब तक वो अन्न गर्म है, उष्ण माने थोड़ा गर्म उष्मायुक्त है, तब तक वो अन्न को आपके पितर ही खाते हैं। यावदुष्णन्ति वाग्यताः, जब तक वो खाने वाले ब्राह्मण मौन है, बोल नहीं रहे हैं, तो श्राद्ध में मौन होकर के भोजन करना चाहिए। ये भोक्ताओं के नियम है। और कर्ता भी अगर किसी पंडित जी को नहीं पता है तो बतला देवे कि भाई पंडित जी आप यहाँ जो है मौन रह करके भोजन करिएगा, कोई दोष नहीं है, बतला देना चाहिए पहले। क्योंकि लिखा हुआ है यावदुष्णन्ति वाग्यताः, जब तक वो मौन होकर के भोजन करेंगे तब तक उनके माध्यम से आपके पितर लोग भोजन करेंगे। पितरस्तावत अश्नन्ति, तावत एक पितर अश्नन्ति, तभी तक पितर लोग भोजन करते हैं। यावन्नोक्ता हविर्गुणाः, जब तक वो जो है श्राद्ध भोजन के गुणों का कीर्तन नहीं कर किया जाता, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये हम इससे लाए हैं, ये तो इस चीज का बनाया गया है, इसका गुणानुवाद वे जो है श्राद्ध भोक्ता भी नहीं करें और श्राद्ध करता भी नहीं करना चाहिए। इसलिए निश्चित है कि श्राद्ध में भोजन मौन होकर के करना चाहिए। अगर कोई सामान लेना है तो हाथ से संकेत कर सकते हैं कि नहीं नहीं अब नहीं लेना है या ये चीज लेना है, तो वो हाथ से संकेत करके लेना चाहिए। अन्न कैसा है, कैसा बना है पंडित जी, आपको कैसा लग रहा है, ऐसा भी प्रश्न न पूछे, क्योंकि वो बोलने के लिए बाध्य होगा। इसलिए उसको ऐसा पहले से ही करें कि वो बोल न पाए, वो उसको मांगने से पहले ही देने के आप तत्पर रहें, ये आपको सावधानी रखनी है। और एक बात खास कि पितर तब तक ही भोजन करते हैं जब तक कोई नवीनान्न नहीं परोसा जाता। नवीनान्न का मतलब आपके घर में 10 पकवान बने हैं, 10 चीज बनी है, आपने 9 चीज पहले रख दी, पंडित जी ने भोजन करना प्रारंभ कर दिया, अरे ध्यान आया कि भाई रसगुल्ला तो रह ही गया, हम इसके लिए लाए थे, तो वो अरे लो अब लो, तो बीच में रख दिया आपने, तो बस वो पितर लोग अब खाना बंद कर गए, तो वो तो अब रह गया तो छूट ही गया, पंडित जी को नहीं दिया है तो उसको आप लोग भी नहीं खा सकते। आज श्राद्ध में वो प्रयुक्त होने वाला अन्न ही खाना है सब लोगों को, वो श्राद्ध में युक्त हो नहीं पाया। जिस तरीके से हम वैष्णव लोग जो है ठाकुर जी का किसी चीज का भोग नहीं लग पाया और वो छूट गई रसोई में, तो उसको फिर नहीं लेते हैं कि भाई ठाकुर जी को भोग नहीं लग पाया तो उसको नहीं लेना है। आज ठाकुर जी की इच्छा नहीं है या तुम्हारी इच्छा नहीं है, भूल है, आप क्षमा मांगिए, तो फिर नहीं लेते हैं। इसी प्रकार ये श्राद्ध का नियम है कि फिर जो अन्न छूट गया तो छूट ही गया। एक बात खास ब्राह्मणों के लिए कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन की विधि में लिखा हुआ है चित्राहुति दी जाती है। पहले जो देते हैं भूपतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूतानाम पतये स्वाहा, इस तरीके से 3 या 5 वेद की शाखा के अनुसार अलग अलग वो जो है आहुति देने का विधान है। और भोजन के बाद में जो भोजन शेषान्न है सभी अन्नों को हाथ पे रख करके और वो पितरों के लिए उच्छिष्ट पितरों के लिए पितृ तीर्थ से दिया जाता है, और तथा जल लेकर के आधा पी करके और आधा जल उसी उच्छिष्ट अन्न पर डाला जाता है, ये भोजन की विधि में है। इसको चित्राहुति कहते हैं और वह उच्छिष्ट अन्न कौए को डाला जाता है। ये रोज भोजन में होता है, हम लोग रोज ही करते हैं इस बात को। तो ये चित्राहुति श्राद्ध के भोजन में नहीं देनी है ब्राह्मणों को, इसका निषेध है। कुछ बात हम जो है बिना श्लोक के ही बतला देते हैं
समय बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोगों का कहना है कि वीडियो बड़ी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मुख्य मुख्य बात कम से कम आप लोगों के पास पहुँच जाए। एक बात और है कि श्राद्ध में भोजन करा दिया पंडित जी को, यजमान ब्राह्मण को, जिसको भी बुलवाया था उन आचार्य को भोजन हो गया। उसके बाद वो जूठे बर्तन कौन उठाए, यहां तक का नियम है। जूठे बर्तन को स्त्रियां नहीं उठाएं, जिन बालकों का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है वो भी नहीं उठाए, कोई जो दिमाग से कम हो, मूर्ख लिखा हुआ है, वो भी व्यक्ति अगर किसी के घर में हो तो वो भी नहीं उठाए। देखिए क्या कह रहे हैं, स्कंद पुराण के प्रभास खंड के 206वें अध्याय में 42वां श्लोक है, आप उसको देखें। न स्त्री प्रचालये तानि ज्ञानहीनो न चाद्रतः स्वयं पुत्रोथवा यस्य वांछे दभ्युदयम् परम। कहते हैं न स्त्री प्रचालये तानि पात्राणि योजयेत्, बोले उन पात्रों को स्त्रियां नहीं उठाएं। और ज्ञानहीन, जो ज्ञानहीन है, अबोध है, वो भी व्यक्ति नहीं उठाए। न च अभ्रतः, जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है वो भी नहीं, तो उठाए कौन, बोले स्वयं। श्राद्ध कर रहा है, उस श्राद्धकर्ता स्वयं ब्राह्मणों के खाए हुए जूठे पात्रों को उठाए, अथवा पुत्र, या उस व्यक्ति का पुत्र उठाए जो कि यज्ञोपवीत ही है, जिसका यज्ञोपवीत हो चुका है वो व्यक्ति। क्योंकि यस्य वांछे अभ्युदयम्, जो अपना अभ्युदय चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, वो इस नियम का पालन करे, अन्यथा वो श्राद्ध में न्यूनता आ जाएगी, श्राद्ध पूर्ण नहीं होगा, ये कह रहे हैं। श्राद्ध के बाद में ब्राह्मणों को तांबूल देवे, पान जिसमें तंबाकू आदि ना हो, मादकता रहित। तो ब्राह्मण लोग श्राद्ध के बाद तांबूल खा सकते हैं, लेकिन श्राद्धकर्ता तांबूल नहीं खाए, उसके लिए निषेध आया है। और इसके बाद में वस्त्र आदि दक्षिणा देवे और फिर उनकी परिक्रमा करे। तो ब्राह्मण को खड़ा करके वो ये समझे कि हमारे पितर ही हैं, और बड़ी भावना पूर्वक चार परिक्रमा लगाए, और चार परिक्रमा लगाने के बाद फिर पूछे, क्योंकि श्राद्ध में जो भी अन्न बनाया जाता है वह अन्न ब्राह्मणों के लिए ही बनाया जाता है, अपने लिए नहीं बनाया जाता कि हम भी घर के 10 सदस्य हैं तो हम भी खाएंगे, तो उनके लिए नहीं बनाते, तो सब हैं। हम लोग जो भोजन बनाते हैं तो अपने लिए नहीं बनाते हैं, लिखा हुआ है अपने लिए बनाने वाला तो पापी होता है। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा, गीता में भगवान कहते हैं जो अपने लिए ही भोजन पकाता है वो पाप खाता है, पाप पकाता है। तो भाई आप किसके लिए बनाते हैं भोजन, हम बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, ईश्वर के लिए, अपने प्रभु के लिए, उनका भोग लगाने के बाद में वो बचता है वो स्वयं खाते हैं, हम बनाते हैं अतिथियों के लिए, कोई आ जाए तो उसको क्या खिलाएंगे, ये भावना रख करके भोजन बनाना चाहिए। तो श्राद्ध में भोजन किन के लिए बनाना चाहिए, ब्राह्मणों के निमित्त, पितरों के निमित्त, अपने लिए नहीं। तो अब हमको भी खाना है तो क्या करें, अब तो अब उन ब्राह्मणों से आज्ञा लीजिए, क्योंकि अब वे जा रहे हैं। तो उनसे पूछा जाता है चार परिक्रमा लगाने के बाद कि शेषान्नम किम कर्तव्यम, इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हे प्रभु अब ये अन्न बचा है इसका अब हम क्या करें, क्योंकि हमने तो आपके लिए बनाया था, इस भावना से पूछते हैं। तो वो ब्राह्मण कहें, ब्राह्मण के लिए ये जो वचन याद होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो ब्राह्मण लोग उनसे बुलवाएं कि आप लोग हमसे ये बोलिए कि शेषान्नम किम कर्तव्यम, तो ब्राह्मण इसका उत्तर देवे कि इष्ट ही सह भोक्तव्यम अथवा बांधवई सह भोक्तव्यम, अब अपने बंधु बांधव कुटुंब परिवार के साथ मिलकर के आप श्रीशान्न को खाइए, ऐसा जो है वे नियम बतलाएं और उनको आज्ञा दें, आशीर्वाद भी देवें, और फिर इसके बाद वे लोग अब जाएं। जब ब्राह्मण लोग जाते हैं तो घर वालों को पहुंचाने के लिए जाना चाहिए कुछ दूर तक, लिखा हुआ है कि पहले किसी जलाशय तक जाए, कोई कुआं मिल जाए, बावड़ी मिल जाए कुछ, या नदी आदि हो तो वहां तक उन लोगों को, ब्राह्मणों को पहुंचाने के लिए जाए। तो अभी भी कम से कम कोई भी जलाशय हो, कोई नल हो, हैंडपंप हो, या अथवा कोई कुछ दूर तक तो ब्राह्मणों का अनुव्रजन करते हुए उनके पीछे पीछे जाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करके फिर लौटना चाहिए।
आ करके फिर अपना भोजन करें और शाम तक फिर दोबारा भोजन नहीं करें, इत्यादि नियम जो बतलाए हैं उनका श्राद्ध भोक्ता और श्राद्धकर्ता दोनों परिपालन करें। इसी से श्राद्ध की पूर्ण विधि का फल प्राप्त होता है। विधि से करने पर पूर्ण फल मिलता है, अन्यथा फिर भगवान की इच्छा जितना मिल जाए। तो इस प्रकार एक वीडियो में आपको जो है श्राद्ध जो है भोक्ता के नियम बतलाए गए इसमें, कि श्राद्ध करने वाले किन किन नियमों का पालन करें, श्राद्ध खाने वाले किन नियमों का पालन करें, कुछ नियम दोनों के ही हैं। और इसी प्रकार पिछली वाली वीडियो में बतलाया गया था कि श्राद्ध कर्ता जिसको श्राद्ध करना है वो किन किन नियमों का पालन करे, किन का त्याग करे। अभी श्राद्ध से संबंधित कुछ जानकारियां और देनी है कि श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों का निमंत्रण करना चाहिए, कैसे ब्राह्मण श्राद्धार हैं, अथवा किस किस को श्राद्ध में निमंत्रण किया जा सकता है, और दूसरी बात वो निषेध कैसे कैसे ब्राह्मणों को अथवा किस किस व्यक्ति को श्राद्ध में निमंत्रित नहीं करना चाहिए, निमंत्रित कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितने लोगों को करना चाहिए, ये सब नियम आगे बतलाएंगे, आप लोग सुनिएगा। और जो खास रूप से जो ब्राह्मण लोग हैं जिनका यही कार्य है, कर्मकांड से संबंधित लोग हैं, वे लोग इससे जुड़ें और इसको सुनें और परिपालन करें, दूसरों को भी नियम सुनवाएं। अब जिसके यहाँ श्राद्ध है उसको भी आप इस वीडियो को भेज सकते हैं, आपका यदि कोई यजमान है, आप पंडित हैं, तो आप उसके यहाँ भेजिए कि भाई इसको आप सुनिए फिर नियमों का पालन करिए, तो वो भी सुनेगा, वो नियमों का पालन करेगा, और आप भी उनको याद रखें, कोई उसको याद न रहे तो आप उसको बतला सकते हैं। इसलिए ये जानकारी केवल पंडितों के लिए हो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो भी ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित शास्त्र हैं वो जीव मात्र के लिए हैं, खास रूप से मनुष्यों के लिए हैं, और मनुष्यों में भी ब्राह्मणों के लिए दायित्व दिया गया है कि किसी को नहीं पता है तो आप बतलाइए, तो हमारे लिए तो अति ही आवश्यक है। इसलिए आप लोग सुने, धारण करें और परिपालन करें। हर हर महादेव।